वेलकम टू इडन। कहानी की शुरुआत में एक जोया नाम की औरत को दिखाया जाता है जो चौंक कर नींद से उठती है। वो अपने आप को एक सुनसान आइलैंड पर पाती है जो समुद्र से घिरा हुआ है। उसको कुछ याद नहीं होता कि पिछले 12 घंटों में क्या हुआ और वो यहाँ पर कैसे आई। वो बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ पर इंसानों को ढूंढने लगती है। तभी उसको वहाँ पर एक बोतल पड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो बोतल उठाकर देखती है तो उसको याद आता है कि एक हफ्ते पहले जब वो ऑफिस से घर लौटी और अपनी छोटी बहन गैबी से बातें करके थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी होती है, तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज देखकर उसको थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो उसका रिप्लाई करती है। उधर से मैसेज आता है कि मैं इडन नाम की कैब्रिज कंपनी का करेस्पोंडेंट हूँ। हमारे प्रोडक्ट की लॉन्च पार्टी के लिए आपको सिलेक्ट किया है और ये पार्टी एक मिस्ट्री आइलैंड पर लॉन्च की जाएगी। साथ ही आपका पूरा एक्सपेंस कंपनी देगी। आप बहुत एंजॉय करेंगे, इसीलिए इस ऑफर को मिस मत कीजिए। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। आइलैंड पर पार्टी और वो भी फ्री में, तो जोया इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो करेस्पोंडेंट कुछ गाइडलाइंस भेजता है जो उसको फॉलो करनी होगी। पहली गाइडलाइन होती है कि आप इसकी लोकेशन किसी को रिवील नहीं कर सकती। दूसरा, आप यहाँ किसी दूसरे को अपने साथ नहीं ला सकती। अब जोया को गाइडलाइंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट लगने लगती है, फिर भी वो मान जाती है क्योंकि ये मौका बार बार तो नहीं आएगा। वो अपने बैग्स पैक करके सीक्रेट जगह पर पहुंची है, पर कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जुडित को साथ ले जाती है। सीक्रेट जगह पर उन्हें एल्डो नाम का एक आदमी मिलता है जो जोया के साथ ही इस पार्टी के लिए सिलेक्ट हुआ है। फिर एक ऑटोमेटिक ड्रोन उन्हें एक पुराने से दरवाजे के पास लेकर जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुछ देर में एक मास्क पहना हुआ आदमी उन्हें वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत लोग लॉन्च पार्टी के लिए मौजूद हैं। ये तीनों भी सभी से मिलते हैं। फिर कुछ पार्टी बसेस वहाँ पर आती है और ये सब खुशी से उसमें चढ़ जाते हैं। रास्ते में नाच गाने के साथ मस्ती होती है। कई घंटों के बाद वो सी पॉइंट पर पहुंचते हैं और मास्क पहने हुए ऑर्गेनाइजर्स उनको बोट के पास लेकर जाते हैं। वहीं सभी को बोट पर चढ़ने से पहले वेरिफिकेशन चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। जुडित जरा घबरा जाती है क्योंकि वो विदाउट इनविटेशन के आई थी, पर फिर भी वो चेक पॉइंट को पार कर लेती है। लेकिन इनविटेशन ना होने के बावजूद उसको बोट पर अलाउ किया जाता है, जिसके बाद सभी गेस्ट को ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है, जहां उन्हें मेटल डिटेक्टर से भी गुजरना पड़ता है। आखिर में ऑर्गेनाइजर्स उनके मोबाइल फोन्स मांगते हैं। अब सबको शक होने लगता है, पर फिर भी ऑर्गेनाइजर्स की जिद के आगे सब अपने फोन्स उनको दे देते हैं। इस तरह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो सब बोट के अंदर जाते हैं और वैकेशन और अपना सफर शुरू करते हैं। करीब एक घंटे के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक रिस्टबैंड बांध दिया जाता है। फिर उनकी पार्टी शुरू होती है। वो सभी रात भर डांस करते हैं और ड्रिंक करते हैं। जोया डेनियल नाम के एक आदमी से मिलती है और तुरंत ही उनका रोमांस शुरू हो जाता है। इस बीच पार्टी के हेड ऑर्गेनाइजर, जिसका नाम एस्ट्रिड है, वो अनाउंसमेंट करती है कि इस पार्टी में 100 लोगों को इनवाइट किया गया है, पर हमारी न्यू ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए हमने 5 लोगों को चुना है और वो 5 लोग हैं अफ्रीका, चार्ली, एल्डो, लेबिन और जोया। अब इनको ड्रिंक दी जाती है और पांचों को अलग जगह भेज दिया जाता है। ये सब तुरंत ही इस ड्रिंक को पीकर वापस आ जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। यहाँ जुडित जोया को ढूंढते हुए टेंट पर पहुंच जाती है और देखती है कि दो ऑर्गेनाइजर्स एक आदमी पर अटैक करके उसको पानी में डुबा रहे हैं, जिसको देखकर वो डर जाती है और वापस भीड़ में आकर जोया को ढूंढने लगती है। उधर जोया को बहुत चक्कर आ रहे होते हैं। उस पर मिस्टर ड्रिंक का बहुत ही गहरा असर हो रहा था। उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो एक चट्टान पर पहुंचकर वहां से कूदने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर उसको बचा लेता है, जिसके बाद भी वो हेलुसिनेट करने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। वो रात भर वहीं सोई होती है। अब कहानी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहां अब उसको सब कुछ याद आ गया है। वो यहां पर कैसे आई और उसके साथ क्या हुआ। खुशकिस्मती से वो वहां उन 4 लोगों को भी ढूंढ लेती है जिन्होंने मिलकर उसके साथ वो ड्रिंक पी थी। वो लोग मिलकर उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ घंटों के बाद उनको रियलाइज होता है कि बाकी गेस्ट उनको छोड़कर यहाँ से जा चुकी हैं। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि इनको आगे क्या करना है कि तभी एक ड्रोन आता है और उनको आइलैंड के दूसरी ओर लेकर जाता है। वहाँ एक मेंशन होता है जहाँ पर इस आइलैंड के निवासियों को देखकर वो पांचों शॉक रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजर्स एस्ट्रिड ही उनके लीडर है। वो इस मॉडर्न सभ्यता में उनका स्वागत करती है। एस्ट्रिड उनको बताती है कि बदकिस्मती से वो बोट तुमको छोड़कर चली गई, लेकिन वो जल्द ही तुम सबको लेने वापस आएगी। तब तक आप लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ये सुनकर जोया को तसल्ली होती है, पर उसको जुडित की फिक्र होती है कि वो कैसी होगी। इन पांचों को अलग अलग अपार्टमेंट में रखा जाता है जहाँ वो आइलैंड के दूसरे लोगों के साथ कमरे शेयर करेंगे। अब जोया अपने अपार्टमेंट में जाती है और अपने न्यू रूममेट्स नीको और क्लॉडिया से मिलती है। नीको वही आदमी है जिसने जोया को चट्टान पर से गिरने से बचाया था। फिर जोया उसको थैंक्स करती है।
जल्द ही दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन क्लॉडिया चुपचाप उनको दूर से देख रही होती है। अगले दिन वो बोट के बारे में पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि समुद्र में इस वक्त हाई टाइड चल रही है, इसीलिए बोट इस वक्त यहाँ पर नहीं आ सकती। ये सुनकर वो निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको विश्वास होता है कि बोट कभी ना कभी तो यहाँ पर आएगी। एल्डो को आइलैंड पर हो रही बातों को लेकर ऑर्गेनाइजर्स पर शक हो जाता है। अगले दिन जोया ऑर्सन नाम के एक आदमी से मिलती है। जोया का वो आदमी देखा हुआ लगता है और उसको याद आता है कि पार्टी की रात ऑर्सन जुडित के साथ था। वो उससे जुडित के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं इस नाम के किसी भी लड़की को नहीं जानता और ना ही किसी से मिला हूँ। अब उसको देखकर जोया को जुडित की और ज्यादा चिंता होने लगती है, जिसके जाते ही जोया सेंट्रल मेंशन की ओर भागती है, जहाँ आइलैंड के लोग थेरेपी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये सब देखकर उसको शक होने लगता है। एस्ट्रिड उसको भी थेरेपी एक्सरसाइज में शामिल होने को कहती है। पहले तो जोया मना कर देती है, पर एस्ट्रिड उसको कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद एस्ट्रिड उससे उसके बचपन के बारे में पूछती है और बुरे एक्सपीरियंस के बारे में जानने लग जाती है। बातों ही बातों में जोया उसको अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने लगती है। दरअसल जोया का बचपन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ड्रग एडिक्ट थी और उसके पिता परिवार से हमेशा दूर रहते थे, इसीलिए जोया को अपनी छोटी बहन की देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। इस थेरेपी के बाद जोया का मन बहुत हल्का हो जाता है और एस्ट्रिड उसको गले लगाकर दिलासा देती है। फिर सबको बताया जाता है कि बोट कल आ जाएगी और ये सब कल घर जाएंगे। वो सब इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन एल्डो को अभी भी इस आइलैंड के लोगों पर शक होता है। वो डिसाइड करता है कि मैं बोट का इंतजार नहीं करूंगा, खुद किसी तरह बच के यहाँ से निकल जाऊंगा। बाकी लोग तो आइलैंड के लोगों से क्लोज हो जाते हैं, जहाँ जोया नीको के और निबिन आइलैंड के एक आदमी से क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो उसका फेवरेट पियानो म्यूजिक बजाता है। उसी रात एस्ट्रिड और उसका पति एरिक गेस्ट को पार्टी देते हैं। आइलैंड के लोग रात भर पार्टी करते हैं, जबकि एल्डो चट्टान पर चढ़कर देखता है कि वहाँ पर बोट कुछ चीजें आइलैंड पर उतार रही है। उसको लगता है कि शायद यहाँ से बचने का ये आखिरी मौका है, इसीलिए वो अपने साथियों को बताने के लिए भागता है। पर पार्टी में वो सिर्फ चार्ली से ही मिल पाता है और चार्ली को वो अपना प्लान बताता है। चार्ली नशे में धुत होता है और उसको इग्नोर कर देता है। अब एल्डो के पास अकेले बच के निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो तुरंत स्विम करके बोट तक पहुंच जाता है, जहां वो कार्गो के पीछे छुप जाता है। अब वो चैन की सांस लेता है और सो जाता है। कुछ घंटों बाद बोट का इंजन बंद हो जाता है, जिससे एल्डो जाग जाता है। वो जल्दी से बोट की डेक पर जाता है और आइलैंड की एक और औरत को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। एल्डो उसे कहता है कि मुझको छोड़ दो, पर वो एक सेकंड में नहीं रुकती और एल्डो को मार देती है। एल्डो की तुरंत मौत हो जाती है। वो औरत एल्डो की बॉडी को आइलैंड पर पहुंचा देती है। तब बताया जाता है कि इस आइलैंड के लोग कल्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं और एस्ट्रिड इनकी लीडर है। वो उनसे कहती है कि सबको वो ऐसे ही रह जाते रहें, ताकि ये लोग हमेशा इसी आइलैंड पर रह जाएं। अगले दिन जाने की खुशी में जोया सबको बुलाने जाती है, तब वो देखती है कि एल्डो मिसिंग है। वो अपने साथियों से पूछती है, जहाँ चार्ली उसको बताता है कि कल रात एल्डो ने यहाँ से बचकर भागने का प्लान बनाया था। अब जोया को घबराहट होने लगती है और आइलैंड के लोगों से डर लगने लगता है। इधर कल्ट के लोग अफ्रीका और इवन को इतना रह जाते हैं कि वो हमेशा आइलैंड पर रहने का फैसला कर लेते हैं, जिनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया जाता है। सिटी में दिखाया जाता है कि जोया की बहन गाबी काफी परेशान होती है कि अचानक से उसकी बहन कहाँ गायब हो गई। वो अपनी ड्रग एडिक्ट माँ से मदद मांगती है। दोनों पुलिस में एक कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती। अब गाबी अपनी माँ से कहती है कि हमें पुलिस पर और ज्यादा जोर डालना होगा, लेकिन उसकी माँ भी उसको इग्नोर कर देती है। तंग आकर गाबी जोया का रूम चेक करती है, तब उसको जोया का फोन मिलता है, जिस पर डैनियल का मैसेज होता है, जो जोया के साथ आइलैंड पर था। फिर डैनियल गाबी को आइलैंड के बारे में सब कुछ बता देता है, इसीलिए अब गाबी अपनी बहन का पता लगाने के लिए डैनियल से मिलने का फैसला करती है। आइलैंड पर थेरेपी सेशन चल रहा होता है। अब चार्ली को उसकी स्टोरी बताने को कहा जाता है, जहां चार्ली भी जोया की तरह हिचकिचाता है, लेकिन एस्ट्रिड उसको कन्विंस कर लेती है। तब वो अपनी लाइफ की पर्सनल बातें उनको बताता है कि बचपन में वो और उसकी बहन बहुत स्विमिंग करते थे, जहां एक दिन चार्ली की लापरवाही की वजह से उसकी बहन डूबकर मारी गई। तब से चार्ली की माँ उससे नफरत करती थी और उससे बात भी नहीं करती। ये सब सुनकर एस्ट्रिड उसको दिलासा देती है, लेकिन अब जोया से उसका नाटक देखा नहीं जाता। वो एस्ट्रिड पर चिल्लाती है कि तुम सबको मैनिपुलेट करके इस आइलैंड पर हमेशा के लिए रोकना चाहती हो, जो सबको बताती है कि यहाँ कोई बोट नहीं आने वाली, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसको नीको समझाता है कि अगर तुम इस आइलैंड का सच जानती हो तो आज रात आकर मुझसे मिलो। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और उससे मिलने का वादा करती है। रात में नीको जोया को आइलैंड पर एक अंडरग्राउंड गुफा में लेकर जाता है, जहाँ एक लकड़ी के ढांचे पर एक लाश रखी होती है, जिसको देखकर जोया की सांसें रुक जाती है। ढांचे पर रखी लाश किसी और की नहीं बल्कि जुडित की थी, जिसको देखकर जोया पागल हो जाती है और चीख चीख कर रोने लगती है।
दोस्तों ये कल्ट के लोग यहाँ सबको क्यों रोकना चाहते हैं और जुडित को किसने मारा? एल्डो को मारने वाली लड़की कौन थी? क्या गाबी जोया को ढूंढ पाएगी और क्या जोया कभी यहाँ से निकल पाएगी? सवाल कई सारे हैं, जिन सब सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। सो विद ऑल दैट सेड, आज के वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन अब फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।